हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने न्यूमेरिकल ट्राई करे होंगे, ठीक। आप लोगों को अपने आंसर मैच करने, और अगर किसी न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को आप लोगों को क्लियर करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वो था आप लोगों के पास 2 forces 3 newton and 4 newton एक्ट ऑन अ पार्टिकल, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब ये था कि आपके पास दो बल है, ठीक। एक बल का जो परिमाण दे रखा है आप लोगों को F1, वो परिमाण आप लोगों को कितना दे रखा है 3 न्यूटन। F2 इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है 4 न्यूटन दे रखा है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोगों के पास परिणामी बल है उसका परिमाण और साथ साथ में उसके अपन को क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखना आप लोग, आपको F1 F2 दे रखा है 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। और फर्स्ट केस में आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 90 डिग्री। आगे बात समझ में, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है आप लोगों के पास 90 डिग्री। अब जब भी अपन रिजल्टेंट की बात करते हैं, परिणामी की बात करते हैं, तो आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। अब फर्स्ट केस में देखो थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और आप सबको पता होता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अब देखना ये वाली टर्म कितनी जाएगी अब आप लोगों के पास 0। देख देता हूं फिर भी मैं, देन एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट में F1 का स्क्वायर। F1 कितना है आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2। F1 कितना है 3 into 4, और यहां पर कितना जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आप लोगों के पास एफ नेट इक्वल टू कितना जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 9 plus 16 plus 2 into 3 into 4, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये पूरी टर्म आपके पास कितनी जाएगी 0। तो आपके पास रूट में कितना बचा 25। तो आप लोगों के पास जो F net की वैल्यू आएगी, वो F net की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 5 न्यूटन आ जाएगी। परिणामी बल कितना है 5 न्यूटन है, ठीक। अभी जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा F1 और F2 के बीच में एंगल एक ही नहीं है। तो आपको डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है आप लोगों के पास b sin थीटा अपॉन में a plus b cos थीटा, ठीक। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू b, b मतलब ये F1 है उसको a ले लो, उसको b ले लो, तो आप लोगों के पास कितना जाएगा 4 into sin 90 डिग्री अपॉन में a कितना हो जाएगा 3 into b कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा 4/3। तो यहां से अल्फा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा आपके पास। आई नहीं बात में, तो ये डायरेक्शन आ गई और ये आप लोगों के पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। कौन से वाले केस में, फर्स्ट केस में। इसी तरीके से सारे सॉल्व कर दो आप लोग, ठीक। और अगर मैं इसकी जगह, अब थीटा की जगह मैं कितना ले लेता हूं सेकंड केस में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लो। और आपको पता है कि अगर आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो अब आप यहां पे 90 डिग्री की जगह कितना जाएगा 0 डिग्री, ठीक। तो अगर यहां पे 0 डिग्री आ जाएगा आप लोगों के पास, तो यहां पे cos 0 की वैल्यू कितनी जाएगी 1। तो ये तो गया 99 प्लस 16 25, और यहां पे कितना जाएगा आप लोगों के पास 6 हो जाएगा into 4, तो 6 into 24 हो जाएगा आप लोगों के पास यहां पे। और अगर ये 24 हो जाएगा तो आप लोगों के पास F net की वैल्यू कितनी जाएगी आप लोगों के पास रूट में 49 आ जाएगी, और 49 आ जाएगी इसका मतलब आप लोगों के पास F net कितना आ जाएगा 7 न्यूटन आ जाएगा। अरे बस में F net की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी 7 न्यूटन आ जाएगी। आई बस में, अब डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन हुई अल्फा, तो थीटा ये फॉर्मूला लिख लो। अब 90 डिग्री की जगह कितना जाएगा 0 डिग्री, और यहां पे भी 90 डिग्री की जगह आप लोगों के पास कितना जाएगा 0 डिग्री, ठीक। तो देखना आप लोग, तो
तो अब आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो अपॉन में थ्री इंटू फोर, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन। तो आप लोगों के पास कितना जाएगा जीरो, ऊपर जीरो है तो सब कुछ जीरो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा जीरो। तो ऐसी कंडीशन पे tan अल्फा इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, tan जीरो डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि tan जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जीरो। तो ये tan से tan को रिप्लेस कर दो तो अल्फा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा जीरो डिग्री आ जाएगा। और ये तो फैक्ट है ना, दोनों फोर्सेस के बीच में, दोनों बल के बीच में एंगल जीरो डिग्री है, मतलब थ्री न्यूटन भी इधर लग रहा है और साथ में फोर न्यूटन भी इधर लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट जो परिणामी आएगा वो इधर की तरफ कितना आएगा, सेवन न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। अरे बस में अब देखो तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली कितने जाएंगे जीरो, तो देखो जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से कॉस के लिए करोगे, कॉस वाला आप लोग खुद करना, यहां पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, तो यहां पर अपन 0 डिग्री की जगह कितना पुट कर देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री पुट करेंगे तो यहां पर बाई टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब आप लोगों के पास यहां पे कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास 12, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना जाएगा रूट में 37 हो जाएगा आप लोगों के पास, तो रूट 37 न्यूटन आप लोगों के पास एपरेंट आ जाएगा। ठीक 37, अब 6 का कितना होता है 36 है ना, 6 का 36 तो 37 है, तो अप्रोक्स 6.1 के आसपास आपके पास वैल्यू है, 6.1 न्यूटन के आसपास। ठीक अब एज इट इज यहां पे वैल्यू पुट कर देना, तो यहां पे 60 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से यहां पे 60 डिग्री कर देना। ठीक और यहां पे भी कॉस की जगह कितना जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक तो देखना आप लोग, तो यहां पे कितना जाएगा आपके पास tan अल्फा इक्वल टू 4 इनटू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये देखो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्लस आएगा बेटा, ठीक है ना, यहां पे प्लस आता है। ठीक तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये से 2 टाइम चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, ये से 2 टाइम चला जाएगा तो ऊपर आ गया 2√3 और नीचे आप लोगों के पास 3+2 कितना जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हो गया आप लोगों के पास tan इनवर्स 2 अपॉन में √3, 2 × √3 अपॉन में कितना जाएगा 5 आप लोगों के पास हो जाएगा। आई नहीं बस हमने बेटा आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोगों की क्वेश्चंस क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक देखो जल्दी से इसको, क्वेश्चन सेकंड देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 4 जे कैप कॉमा बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मतलब अपन को ए बी तीन सदिश दे रखे, तो अपन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो आप देखना बहुत ध्यान से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक इक्वल टू, अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस 4 जे कैप, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो ये देखो माइनस है यहां पे, ठीक है ना, तो अभी ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस का 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस सी, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक तो आप लोगों के पास यहां पे कितना आ जाएगा आई कैप माइनस 4 जे कैप, ठीक है ना, ये माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहां पर जाएगा प्लस आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब फैक्ट है कि मुझे जोड़ना है, मुझे ऐड करना है, तो आई कैप के साथ आई कैप जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, देखो आई कैप ये रहा प्लस आई कैप प्लस आई कैप और माइनस का 2 जे कैप, तो प्लस प्लस तो 2 आई कैप और माइनस का, तो इससे ये पूरे की पूरी टर्म क्या हो गई कैंसिल हो गई। उसके बाद जे कैप देखो माइनस का 4 जे कैप, माइनस का 4 जे कैप प्लस जे कैप, तो कितना बचेगा माइनस का 3 जे कैप, ठीक और माइनस 2 जे कैप, तो माइनस और माइनस देखो माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 6 और उसमें से प्लस एक जे चला जाएगा तो आपके पास माइनस का 5 जे कैप बचेगा।
ठीक। अब के कैप देखो, के कैप ये रहा प्लस के कैप प्लस टू के कैप हो जाएगा प्लस थ्री के कैप। ये किसकी वैल्यू होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब मुझे इसका परिमाण मैग्नीट्यूड पता करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या लेना है? रूट। अब आई कैप तो है ही नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम तो जे कैप से लिखेंगे। तो माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25 प्लस 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहां पे कितना आ जाएगा? रूट में 38 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखना 5 34 बचेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। किसका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से, अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, आप लोगों को 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात करना है और आपको a और b वेक्टर की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दे रखी है। तो देखना आप लोगों को किस तरीके से रखा है, 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। तो 2a वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस थ्री, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस का थ्री के कैप, ठीक है। अब इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा? टू आई कैप माइनस का फोर जे कैप प्लस एट के कैप माइनस। अब देखना माइनस भी मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहां पर कितना जाएगा? थ्री आई कैप। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब माइनस है तो माइनस थ्री जे कैप, और माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री कितना रहेगा? नाइन के कैप हो जाएगा आपके पास, ठीक है। थ्री थ्री नाइन, और यहां पे कितना जाएगा? टू फोर एट। अब देखो ये रहा आई कैप प्लस टू आई कैप प्लस थ्री आई कैप, तो कितना जाएगा? फाइव आई कैप, ठीक। माइनस का फोर जे कैप माइनस का थ्री जे कैप, माइनस का फोर जे कैप माइनस का थ्री जे कैप, माइनस का सेवन जे कैप हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एट के कैप और सेवन नाइन के कैप, तो टोटल कितना जाएगा? सेवनटीन के कैप आप लोगों के पास हो जाएगा। आई बस में? तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा? एक तरीके से टू ए वेक्टर माइनस का टू बी वेक्टर, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे टू ए वेक्टर माइनस का थ्री बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख देते हैं, फाइव आई कैप प्लस माइनस का सेवन जे कैप प्लस 17 के कैप लिख देते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालना है आप लोगों को, परिमाण निकालना है, वो आप लोग खुद निकालेंगे। कैसे करेंगे? देखो वही 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर का परिमाण, परिमाण निकालने के लिए दोनों तरफ फिर रूट लेते हैं, जो i कैप के साथ है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस जो j कैप के साथ है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस जो k कैप के साथ है उसका स्क्वायर करते हैं। सॉल्व करके बेटा आंसर बताना कितना आ जाएगा। अगली बात समझ में? ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू इक्वल फोर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर ऑन अ पार्टिकल, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इफ देयर रिजल्टेंट इज 14.1 न्यूटन। मतलब वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो बल है जिनका परिमाण समान है और वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर किसी एक कण पर लग रहे हैं और उनका परिणामी आप लोगों को कितना दे रखा है? 14.14 न्यूटन दे रखा है। तो आप लोगों को इन दोनों फोर्स के जो उस कण पे लग रहे हैं उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान से देखना, यहां पे कह रहे हैं टू इक्वल फोर्सेस, मतलब दो समान परिमाण के बल, मतलब जो F1 वेक्टर का जो परिमाण है वही तो F2 वेक्टर का परिमाण है, और वो अपन लोगों ने कितना मान लिया F, और F नेट की वैल्यू अपन लोगों को दे रखी है। F नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14.14 न्यूटन, और थीटा इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो फोर्सेस F1 वेक्टर भी F है और आप लोगों के पास F2 वेक्टर का परिमाण भी F है, अगर दो समान परिमाण के बल, ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अगर किसी एंगल थीटा पर लगते हैं तो उनका रिजल्ट बिल्कुल इनके बीच में से पास होता है, बायसेक्टर में से पास होता है, और वो होता है एफ नेट। और एफ नेट की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि एफ नेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2f cos थीटा बाय
की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो देखना आप लोग, देन f नेट इक्वल टू कितना जाएगा 2f cos 90 अपॉन में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के पास f नेट की वैल्यू कितनी तरह की 14.14 इक्वल टू 2f हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो आप लोगों के पास 14.14 इक्वल टू हो जाएगा 2f * 1 अपॉन में रूट टू, और इससे कैंसिल होकर कितना जाएगा रूट टू हो जाएगा कि नहीं जाएगा। और आप सबको पता होता है कि रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 एफ हो जाएगा आपके पास। अब यहां से एक पॉइंट हटा के ठीक है ना नीचे 10 लिख दो। अब जैसे ही नीचे 10 लिखोगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू हो गई ठीक है ना वो कितनी गई 14.14 अपॉन में 10 इंटू एफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो f इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 10 न्यूटन। तो f की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी 10 न्यूटन, मतलब f1 f2 का परिमाण। अब दोनों का परिमाण समान है, इक्वल फोर्सेस है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा आप लोगों के पास 10 न्यूटन आएगा। देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों के पास, a वेक्टर इक्वल टू 3ik + 4jk। तो अपन लोगों को वेक्टर a का सदिश a का परिमाण याद करना है और साथ में उसकी डायरेक्शन अपन लोगों को पता नहीं, दिशा अपन लोगों को पता नहीं। तो अब ये a वेक्टर इक्वल टू कितना लगा लिखूं तो axik + ayjk हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करूं तो ax इक्वल टू कितना हो गया 3 और ay इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड परिमाण लिखूंगा तो रूट में कितना जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 9 + 16, तो रूट में कितना हो गया 25। तो आप लोगों के पास सदिश ए का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना जाएगा आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए वही tan alpha इक्वल टू कितना होता है आप लोगों के पास ay / ax या tan theta बोल दो इसको, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मली क्या है 2D तो ये आई कैप और जे कैप आ रहा है, तो यहाँ पे एस एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस, और ए वेक्टर ऐसे कहीं जा रहा है, ये एंगल कितना हो गया थीटा मान लो इसको थीटा। तो एक तो इधर आ जाएगा कंपोनेंट और एक इधर आ जाएगा घटक, एक घटक इधर आ जाएगा, एक घटक इधर आ जाएगा, इधर जो आएगा वो ए वाई होगा, इधर जो आएगा ए एक्स होगा। अब अपन को टेन निकालना है, मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि जिस एक्सिस के साथ जिस अक्ष के साथ थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है आधार होता है बेस होता है, और उसके जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना था लंब बटा आधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है लंब कौन है ए वाई, और आधार बेस कौन है ए एक्स, तो हो जाएगा ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो आप लोगों के पास tan थीटा इक्वल टू कितना जाएगा ए वाई की वैल्यू कितनी है 4 और ये कितना जाएगा 3। तो यहां से थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन में। अगर एक बात समझने आप लोगों को, और अगर वो आपको बोले एक क्वेश्चन और जैसे कि मान लेते कि अपन ही पढ़ देते हैं, मान लो कि वो ए के पूछे, ए के समझे ना इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, तो कितना जाएगा ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड ए का परिमाण, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3ik + 4jk अपॉन में कितना जाएगा 5 आ जाएगा। आई नहीं बस समझ में, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ए वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है 3ik - 4jk + 5kk। तो अपन को क्या करना है ए का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है, ए का इकाई सदिश ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इकाई सदिश निकालना है, और साथ में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक को जाए अपन लोगों को निकालना है। अब आप देखना मैग्नीट्यूड अगर अपन निकाले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना देगा रूट में 3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऐड होता है हमेशा इसलिए अपन माइनस को स्क्वायर के साथ लेते हैं। तो आप लोगों के पास यहां पे ये कितना हो जाएगा 9 + 16 + 25। तो आप लोगों के पास 25 + 25, ठीक है। अब मैं इस रूट 50 को क्या लिख सकता हूं 25 * 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो 25 जब बाहर आएगा तो 5√2 ये आप लोगों के पास ए का परिमाण आ गया, ठीक। अब आप सबको पता होता है कि ए कैप इक्वल टू कितना होता है ए वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इक्वल टू आप ए वेक्टर कितना जाएगा 3i - 4j + 5k अपॉन में कितना जाएगा 5√2 हो जाएगा।
तो ये आप लोगों के पास इकाई सदिश निकल के आ गया। डायरेक्शन कोसाइन देखो जाए तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होता है ए एक्स अपॉन में ए, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री, तो थ्री अपॉन में कितना जाएगा फाइव रूट टू हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा के बाद कॉस बीटा होता है ए वाई अपॉन में ए, ए वाई की वैल्यू कितनी है ए वाई की वैल्यू माइनस फोर अपॉन में कितना आ जाएगा फाइव रूट टू हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस गामा कितना होता है ए जेड अपॉन में ए, तो ए जेड आप लोगों के पास कितना है फाइव, तो फाइव अपॉन में फाइव रूट टू कैंसिल तो वन अपॉन में रूट टू आप लोगों के पास आ जाएगा। आई बस में इस तरीके से मतलब दिख को जेड डायरेक्शन कोसाइन भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड आउट सम ऑफ थ्री को प्लेनर वेक्टर, मतलब अपन को तीन समतलीय सदिश दे रखे और अपन को उसका क्या ज्ञात करना है सम मतलब संयोजन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो आप लोगों के पास हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है सेवन आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस ठीक है ना सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है माइनस का टू आई कैप प्लस जे कैप। तो आप सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा सेवन आई कैप माइनस का टू जे कैप माइनस बाहर आएगा तो माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप कर लो देखो माइनस का फाइव आई कैप माइनस का टू आई कैप तो माइनस का टू माइनस का फाइव तो माइनस का सेवन आई कैप और ये कैप कितना है प्लस का सेवन आई कैप तो ये तो आप लोगों के पास हो गया जीरो आई कैप ठीक। फिर ये माइनस का टू आई कैप माइनस का टू आई कैप ठीक और यहां पे कितना है प्लस थ्री जे कैप और प्लस जे कैप तो प्लस थ्री प्लस जे तो कितना हो गया फोर और फोर में से माइनस टू जाएगा तो कितना बचेगा प्लस टू जे कैप बचेगा। तो आप लोगों के पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा टू जे कैप आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा आप सभी को ठीक। अब आप लोगों को ये अपन लोगों का यहां पर वेक्टर एडिशन सदिशों का संयोजन अच्छी तरीके से क्या होता है बेटा कंप्लीट होता है ठीक। अब आप लोगों को जहां से ये सदिश वेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां से आप लोगों को एक बार ये लेक्चर पूरा देखने के बाद कल आप लोगों को सारे लेक्चर की क्या करना है बेटा रिविजन करना है और रिविजन करके मुझे रिपोर्ट देनी है बेटा। आई बात समझ में आप सभी को ठीक। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या आप लोगों को दिक्कत आती है वो आप लोग मेरे से डिस्कस करेंगे ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।